राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 नवंबर यानी कि आज से दो दिन के उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद रविवार को हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और शाम ऋषिकेश के परामर्त निकेतन घाट पर गंगा आरती में वो शामिल होंगे। वही सोमवार को राष्ट्रपति दिल्ली वापसी से पहले ऋषिकेश स्थित परामर्त निकेतन आश्रम और हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। तो आपको बता दें कि आज से दो दिवसीय दौरा है उत्तराखंड का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, और ऐसे में हरिद्वार में गंगा आरती में भी आज शाम को वो शामिल होंगे। साथ ही साथ कल दिल्ली आने से पहले उनके कई और कार्यक्रम हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह में भी वो आज शामिल होने वाले हैं, जो हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह है उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिस्सा लेंगे। वहीं शाम को ऋषिकेश के परामर्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में भी वो शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हरिद्वार का ये दौरा है, दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है, और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी है, इसके लिए हमारे संवाददाता इंतजार रजा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच रहे हैं हरिद्वार, क्या कुछ अपडेट है, कितने समय पर कितने बजे वो पहुंचेंगे और फिर क्या क्या उनके कार्यक्रम आज पूरे दिन रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, आज हरिद्वार में राष्ट्रपति का दौरा है, जो आज पतंजलि के जो दीक्षांत समारोह है, सबसे पहले पतंजलि के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे और जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं और अन्य जो बाबा रामदेव पतंजलि में जो दीक्षांत समारोह है उसमें हिस्सा लेगा और जो प्रशासनिक भवन है उसका उद्घाटन आज राष्ट्रपति घाट यहाँ पे किया जाएगा। जी बिल्कुल इंतजार, और फिर शाम को वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे, उसके लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो सुरक्षा के इंतजाम है, राष्ट्रपति यहाँ पतंजलि के दीक्षांत समारोह के उसके गंगा आरती में शामिल होंगे, ऋषिकेश में भी गंगा आरती में राष्ट्रपति के शामिल होंगे और जो सुरक्षा के जो इंतजाम है सभी को जो हरिद्वार प्रशासन है, देहरादून प्रशासन है, सभी सुरक्षा की जो एजेंसियां सभी को अलर्ट किया गया है और जगह जगह जो पुलिस की जो मुस्तैदी है और पिछले दो दिनों से तैयारियां की जा रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। जी बिल्कुल इंतजार, और देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये दो दिवसीय दौरा है आज और कल, आज का ये सब कार्यक्रम है, कल उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए बता दूं, कल देहरादून में राष्ट्रपति के प्रोग्राम होंगे और ऋषिकेश में राष्ट्रपति प्रोग्राम होंगे। आज जो राष्ट्रपति आज हरिद्वार में रहेंगे पतंजलि के दीक्षांत समारोह में, 3 बजे तक लगभग ये प्रोग्राम चलने वाला है जिसमें राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। 10:30 बजे हरिद्वार में राष्ट्रपति के पहुंचने के बाद पतंजलि रहेंगे 3:30 बजे तक। जी चलिए ठीक है, इंतजार आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज हरिद्वार दौरा है, दो दिवसीय उनका दौरा रहने वाला है उत्तराखंड का, जिसमें आज वो पतंजलि के विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं, उसके बाद शाम को ऋषिकेश में गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। हालांकि कल दिल्ली वापसी से पहले ऋषिकेश स्थित परामर्थ निकेतन आश्रम और हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाएंगे। वहीं उनके आगमन लेकर आपको बता दें पूरी तरह से प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है।